हेलो स्टूडेंट, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और ब्लैक बुक सीरीज़ में अपन लिमिट्स तक का डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन चैप्टर नंबर 3 पे आ गए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ब्लैक बुक चैप्टर नंबर 3, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एफ बी ए डिफरेंशियबल रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस सिक्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ देन एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश वन, एफ डबल डैश टू, आर एन, ए पी, जी पी, एच पी और नन ऑफ दीज। तो देखो भाई, ये जो है ये इक्वेशन हमें दी है, तो इन इक्वेशंस का यूज़ करके अपन कोशिश करते हैं कि अपन कुछ कर सकें। अच्छा, मेरे दिमाग में जो फीलिंग आ रही है ना इसको देख के, तो ये फीलिंग आ रही है कि अपन एवरेज एक्स टाइप की कोई चीज़ निकाल सकते हैं। भाई एवरेज एक्स जो अपन ने पढ़ा है वो ऐसा था ना, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये एक्स प्लस टू वाई, मान लो टू वाई हमारे पास एच है, तो ये एफ एक्स अपन इस तरफ ले आए तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ें रहेंगी एफ ऑफ टू वाई प्लस सिक्स एक्स वाई, है ना। ये अलग कर देता हूँ, आपको पता तो भाई, नहीं पता हो तो पहले से नोट कर लेना। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ टू वाई प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस इंटू एक्स प्लस टू वाई। अच्छा, यहाँ पे अपन ने एच ले लिया टू वाई, तो मैंने टू वाई से डिवाइड कर दी पूरी दुनिया, 2y से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और 2y से यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अब h की जगह अपन ने क्या ले लिया भाई, h की जगह अपन ने ले लिया 2y, तो अपन लिमिट लगा देते हैं y इज टेंडिंग टू ज़ीरो या फिर 2y इज टेंडिंग टू ज़ीरो। अब ये लिमिट दुनिया में दोनों तरफ लगती है, यहाँ लग गई, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज एफ डैश एक्स, तो ये तो एफ डैश एक्स हो गया। यहाँ पे अपन ने देखा तो एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन 2y, तो एफ ऑफ ज़ीरो निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ ज़ीरो रखने के लिए अपन एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ज़ीरो रख दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो यहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी, तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो है, तो इसे अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, लॉपिटल लगा दिया, तो एफ डैश ऑफ टू वाई इंटू टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अगर अपन ने देखा तो टू से आ गया थ्री, वाई से हो गया वाई कैंसिल, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास, अगर हम y की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें, तो y की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो x इंटू टू एक्स ही हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो बेसिकली एफ डैश ऑफ ज़ीरो है, तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस टू एक्स स्क्वायर होगी। अपन को एफ डबल डैश x के बारे में पूछा गया है, तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका तो कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा प्लस फोर एक्स आ जाएगा, क्या बात है। तो एफ डबल डैश ऑफ x जो है इसकी वैल्यू आ गई फोर एक्स, मतलब अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे एफ डबल डैश जीरो तो ज़ीरो आएगा, वन रखने पे फोर आएगा, फिर एट आएगा, फोर की टेबल आएगी, तो काय में होगा, ए पी में होगा, ए पी में होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस वन का मॉड कॉमा हाफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना अगर आपको नहीं आता तो फिर दिक्कत है, और ग्राफ बनाना आता है तो बड़े सस्ते में निपट जाएगा। तो भाई देखें, अगर अपन देखें हमारे पास अगर वाई इक्वल टू होता मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स होता तो मॉड एक्स का ग्राफ जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे बना लेते। फिर अगर हमारे पास होता वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन मतलब वाई की वैल्यू एक कदम नीचे चली गई, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे वाई की वैल्यू वन, एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन पे वाई की वैल्यू ज़ीरो। फिर अपन इसका मॉड बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट था ये ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ज़ीरो पे वैल्यू हो जाएगी वन, वन पे वैल्यू ज़ीरो और माइनस वन पे वैल्यू ज़ीरो, तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है, एक बड़ा सा W ये बन जाएगा भाई साहब। तो ये अपने पास y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1 के मॉड का ग्राफ हो गया। अब हाफ देखें, हाफ तो हाफ ये होगा, तो ये हो गया हाफ।
अब मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तो ये वाला हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ये वाला हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ये वाला हो गया, फिर ऊपर ये वाला हो गया, फिर ऊपर ये वाला हो गया, फिर ये ऊपर ये वाला हो गया। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये अपना है, बाकी जो ग्राफ है वो सपना है। तो ये सपना है उसको थोड़ा धुंधला कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ है ये अपना है। अब बताओ भाई कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कितनी चौंचें बनेंगी, कितने शार्प कॉर्नर आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 चौंचे हैं इसमें, 5 शार्प कॉर्नर हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो गया वो हो गया 5, 5 मतलब डी। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा, डी आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में fx इक्वल टू x अपॉन 5 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस x अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 100। डिनोट्स द क्या है, फिर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालना है कितने होंगे। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, अपन उन पॉइंट्स पे चेक करते हैं जहाँ पे ये भी इंटीजर होता है और ये भी इंटीजर होता है और ये दोनों भी साथ साथ इंटीजर होते हैं। क्या बोला मैंने, हम 3 पॉइंट्स पे चेक करेंगे, जिस पे ये इंटीजर होगा, जिस पे ये इंटीजर होगा और जिस पे ये दोनों साथ साथ इंटीजर होंगे। तो अगर हम देखें तो एक्स है, जो एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 100 है। एक्स की वैल्यू अगर 0 से लेके 100 है तो एक्स वाई 2 की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 50 होगी। तो अगर मैं इंटीजर वैल्यू देखूं एक्स वाई 2 की, तो एक्स वाई 2 की इंटीजर वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2 से लेकर 50 वैल्यूज़ होंगी। फिर सिमिलरली जब फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 100 है और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास एक्स अपॉन 5 है, एक्स अपॉन 5 की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 20 होगी। तो एक्स अपॉन 5 की अगर हम इंटीजर वैल्यू देखेंगे तो 0, 1, 2, 3 up to 20 होगी। सही बात है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ होंगे, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ 0, 2, 4 मतलब ऑल इवन अप टू 100 तक चेक करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0, 5, 10 ऑल 10 के मल्टीपल चेक करना है अप टू 100 तक। और ऐसा नंबर जिसमें ये दोनों इंटीजर होंगे वो क्या होगा, 10 का मल्टीपल, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। तो हम फिर उसके बाद 10 का मल्टीपल मतलब 0, 10, 20 up to 100। तो हम इतने पॉइंट्स पे चेक करेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इस पे अपन चेक करेंगे। सबसे पहले अपन 0 पे चेक करते हैं। अगर हम 0 पे चेक करते हैं तो 0 प्लस, एफ ऑफ 0 माइनस और एफ ऑफ 0, ये 3 वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे अपन यहाँ 0 प्लस रखेंगे तो 0 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0, और 0 बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। 0 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 1, और 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1, तो ये भी 0 आ जाएगा। भाई ये 0 माइनस अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 0 माइनस, 0 माइनस का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और ये हमारे पास 0 माइनस अपॉन 2 इज 0 माइनस, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, वैल्यू आ जाएगी 0, और 0 पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो 0 पे तो ये कंटिन्यूस है, हमें पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालनी थी, मतलब 0 जो है वो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में तो नहीं आएगा। सबसे पहले एंड पॉइंट चेक करना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब अपन चेक करेंगे 100, 0 चेक कर लिया, इतना नोट कर लीजिए भाई। अब अपन चेक करेंगे 100, 100 पे चेक करते हैं। तो अगर हम 100 पे चेक करें तो 100 पे हमारे पास हम एफ ऑफ 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ ऑफ 100 माइनस की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ ऑफ 100 प्लस की वैल्यू निकालेंगे। 100 अपॉन 5 हो जाएगा 20 और 100 अपॉन 2 हो जाएगा 50। तो 100 पे वैल्यू तो हमारे पास 20 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा, 0, इंटीजर होगा ना, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 50 आ जाएगी। 100 माइनस, तो 100 अगर यहाँ रखेंगे तो 100 अपॉन 5 20 माइनस मतलब 19.999, फ्रैक्शनल पार्ट 0.999 मतलब 1, और ये हमारे पास 100 बाई 2 मतलब 50 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 49, आंसर आ गया 50। 100 प्लस देखें तो 100 प्लस अपॉन 5 मतलब 20 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0, और 100 प्लस अपॉन 2 मतलब 50 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 50, तो ये वैल्यू भी 50। तो 100 पे भी ये कैसा है, 100 पे भी ये जो है वो कंटिन्यूस है। तो 100 भी जो है इन तीनों साइड में से कैंसिल हो जाएगा,
मतलब ये साइड में हमें लास्ट में 98 तक चेक करना है, इस साइड में हमें 90 तक और इस साइड में भी 90 तक चेक करना है। चलिए एंड पॉइंट्स अपन ने देख लिया भाई, एंड पॉइंट्स तो नहीं हो रहे हैं। अब अपन ये पहला वाला सेट जो हमारे पास बचा है 2, 4, 6, 8 इन पे देखते हैं। तो अगर मैं 2 देखता हूँ तो f of 2 plus और f of 2 minus की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 पर 2/5 0 point something 2/5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 2/5 और 2/2 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 2+/5 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 2+/5 और 1+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 2-/5 का फ्रैक्शनल पार्ट 2/5 और 2-/2 1- का फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो हमें दिख रहा है ये भाई ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो 2 पे ये कैसा हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस। तो जैसे 2 पे वैसे ही 2, 4, 6, 8 up to 98 इन सब पे डिसकंटीन्यूअस होगा। तो ये सब पॉइंट हमारे पास आ गए, तो ये कितने पॉइंट हो गए 2 × 1 से 2 × 49 मतलब ये 49 पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ तक अपने पास जो है वो 49 पॉइंट्स आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन इस पर चेक करते हैं 5 के मल्टीपल up to 90 पे। तो कोई भी एक पे चेक कर लीजिए, तो बस इस वाले पे ना करेंगे अपन क्योंकि इस पे तो जो होगा ही होगा, तो इस पे अपन आगे कर ही रहे हैं। तो हम 5 पे 15 पे इस पे चेक कर लेते हैं। तो मैंने अगर 5 पे चेक किया तो f of 5 plus और f of 5 minus। तो 5 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो 5/5 1 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। 5/2 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 5+/5 1+ 1+ का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 5+/2 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 5-5 दैट इज़ 1 minus 1 minus का फ्रैक्शनल पार्ट 1 1 minus का फ्रैक्शनल पार्ट 1 और 5/2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। तो ये तीनों भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 5 पे भी डिसकंटीन्यूअस होगा। तो 5, 10 इन सब पे डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू देखें तो ये 5 × 1 से लेके कितना है 5 × 15 है ना, नहीं 16। तो ये हमारे पास 16 हो गए, 16 नहीं यार 18, ये 18 हो गए। 5 × 1 से 18 × 5 है तो ये 18 हो गए। अब अपन 10, 20 इन सब पे चेक करते हैं। तो हो सकता है अपन ने कुछ एक्स्ट्रा ले लिए हो, तो अपन 10 पे चेक करते हैं भाई। f of 10 plus और f of 10 minus। तो 10/5 इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट 0। 10/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। 10+/5 दैट इज 2+ का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 10+/2 दैट इज 5+ का फ्रैक्शनल पार्ट 5। 10-5 इज 5- फ्रैक्शनल पार्ट 1 और 10-2 5- का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। तो ये तीनों इक्वल हैं, मतलब ये जो 10 के मल्टीपल हैं इस पे इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 10, 20 तो ये 9 हो जाएंगे। तो हम एक चीज़ देखें, हमने इन 49 में भी ये 10 के मल्टीपल काउंट कर लिए और इस वाले 18 में भी ये 10 के मल्टीपल काउंट कर लिए। मतलब ये जो 49 प्लस 18 अगर अपन देख रहे हैं तो दोनों में से हमें 10 10 के मल्टीपल अलग करने पड़ेंगे, है ना। तो दोनों में से ये कितने हो जाएंगे 5 × 1 5 × 2 up to 19। ये हमारे पास जो है हमें 10 के मल्टीपल इसमें से अलग करने पड़ेंगे। तो अगर हम 10 के मल्टीपल अलग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 95 भी आएगा ना, एक 95 तो ये 19 होंगे। तो ये हमारे पास 19 होंगे, 10 के मल्टीपल 9 इसमें है 9 इसमें है, तो माइनस 18 अपन कर दें तो ओवरऑल हमारे पास 50 पॉइंट्स आ जाएंगे। 50 पॉइंट्स आ जाएंगे मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे 50, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना आंसर होगा। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बोला गया है fx has isolated point of discontinuity at x equal to a such that mod of fx is continuous। अब देखो भाई fx में isolated point discontinuity है x equal to a पर। मान लेते हैं ये हमारे पास x equal to a है, तो a पर जो हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे ना होकर यहाँ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। नीचे भी हो सकता है, कोई कह सकता ऐसा भी कह सकता है कि बेसर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारे पास ए पे जो पॉइंट आप ले रहे हो वो यहाँ ना होके यहाँ हो जाए, ठीक है, ऐसा ले लो। या तो हमारे पास एफ एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है या हमारे पास एफ एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है। ऐसी वैल्यू में जो पॉइंट है वो पॉइंट पॉजिटिव है और ऐसी वैल्यू में पॉइंट जो है वो नेगेटिव है। अब बोला गया है मॉड ऑफ एफ एक्स जब लेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो देखो मॉड ऑफ एफ एक्स लेने पर पॉजिटिव कब होगा, जब ये मॉड ऑफ एफ एक्स लेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा
तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो ये जो हॉलो सर्कल था उसमें सेट हो जाएगी, तब तो कंटीन्यूअस होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू मान लीजिए माइनस फाइव आ रही थी, तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस फाइव हो रही थी, तभी तो हमारे पास ये जब मॉड लिया तो ऊपर जाके ये वैल्यू फाइव होनी थी, फाइव हो गई तो ये कंटीन्यूअस आ गया। अच्छा, ये वाला केस ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें जब ये होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा रहेगा और ये वाला पॉइंट ऐसा रहेगा, तो ये वाला केस नहीं होगा, केस तो ये वाला होगा। अब जब ये वाला केस होगा तो इसमें बोला गया है देन लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ये बात सही है? तो भाई लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए एफ एक्स है ना, इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है तो सही नहीं है, वो तो आइसोलेटेड में एग्जिस्ट करता ही है। एफ ऑफ लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये होगी माइनस फाइव, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? प्लस फाइव, तो दोनों का सम होगा ज़ीरो, तो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर है। फिर ऑप्शन नंबर सी, क्या एफ ऑफ ए की वैल्यू ज़ीरो होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो ऑप्शन नंबर बी आ गया। नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फोर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ें तो बोला गया है एफ एक्स इज थ्राइस डिफरेंशियबल फंक्शन सच डेट लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू 12 है, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें तो भाई अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो पुट करते हैं तो ये ज़ीरो पुट करते हैं तो ये एफ ऑफ ज़ीरो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का केस है। और अगर ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का केस है तो हम क्या करें, हम इसको लॉपिटल रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम लॉपिटल रूल लगाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ फोर एक्स इंटू हो जाएगा फोर माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ थ्री एक्स इंटू थ्री, तो थ्री इंटू थ्री नाइन, प्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टू एक्स इंटू टू, तो थ्री इंटू टू सिक्स माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं तो ये फोर टाइम्स ऑफ एफ डैश ज़ीरो और ये सिक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश ज़ीरो, तो टेन टाइम्स, और माइनस नाइन माइनस वन इज ऑल्सो माइनस टेन, तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का केस हो रहा है। तो हम इसको फिर से लॉपिटल रूल लगाते हैं तो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ फोर एक्स माइनस ऑफ ट्वेंटी सेवन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ थ्री एक्स प्लस ऑफ ट्वेल्व इंटू एफ डबल डैश ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन आ जाएगा सिक्स एक्स। अब अगर हम यहाँ ज़ीरो पुट करते हैं तो प्लस का ही हमारे पास है 16 और 12 18 और माइनस 28 और माइनस 27 माइनस 1 इज माइनस 28 कैंसिल होकर ज़ीरो अपॉन ज़ीरो केस बन रहा है। तो अपन फिर से यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाते हैं तो ये हो जाएगा 16 इंटू फोर दैट इज 64 एफ ट्रिपल डैश ऑफ फोर एक्स माइनस ऑफ 81 एफ ट्रिपल डैश ऑफ थ्री एक्स और प्लस ऑफ 24 एफ ट्रिपल डैश ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स और अपॉन में है सिक्स। अगर हम यहाँ ज़ीरो पुट करते हैं तो ये प्लस 64 और प्लस 28 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और 88 और माइनस 81 माइनस 1 इज माइनस 82 तो डिफरेंस आ जाएगा सिक्स, तो ऊपर सिक्स आ जाएगा और नीचे भी हमारे पास क्या जाएगा सिक्स है ना, ऊपर आ जाएगा सिक्स टाइम्स ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो अपॉन सिक्स और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है 12, तो यहाँ से एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 12 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तो फिफ्थ का जो आंसर आएगा वो हमारे पास सी आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास है वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा, टेन थीटा की पावर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा की पावर है कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा, टेन थीटा की पावर है साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा की पावर है साइन थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा, इसका पावर है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका पावर है कॉट थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये ऐसा है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पे, तो हम इसे टेन का पावर साइन अपॉन टेन का पावर कॉस लिख सकते हैं, इसे कॉट का पावर कॉस माइनस, अच्छा एक काम करते हैं अपन,
इसको सबको टेन में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन का पावर साइन माइनस कॉस, इसे लिखेंगे टेन का पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा टेन का पावर कॉट माइनस कॉस, प्लस हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टेन का पावर कॉस माइनस साइन प्लस टेन का पावर कॉट माइनस साइन प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन का पावर कॉस माइनस कॉट प्लस टेन का पावर साइन माइनस कॉट। अब हमने इसको लिखा टेन का पावर साइन अपॉन टेन का पावर कॉस, टेन का पावर साइन अपॉन टेन का पावर कॉस, तो ये टेन का पावर कॉस तो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस टेन का पावर, ये जाएगा टेन का पावर कॉस प्लस टेन का पावर साइन प्लस टेन का पावर कॉट। सिमिलरली यहाँ हमारे पास अगर हम टेन का पावर कॉस अपॉन टेन का पावर साइन और टेन का पावर कॉट अपॉन टेन का पावर साइन लिखेंगे, तो टेन का पावर साइन तो ऊपर आ जाएगा, टेन का पावर साइन प्लस टेन का पावर कॉस प्लस टेन का पावर कॉट आ जाएगा। सिमिलरली इसे अगर हम टेन का पावर कॉस अपॉन टेन का पावर कॉट प्लस टेन इसे टेन का पावर साइन अपॉन टेन का पावर कॉट और टेन का पावर साइन अपॉन टेन का पावर कॉट ऐसा लिखेंगे, तो ये टेन का पावर कॉट प्लस टेन का पावर कॉस प्लस टेन का पावर साइन और ऊपर टेन का पावर कॉट आ जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगी। अब अगर वाई की वैल्यू हमारे पास वन हो गई तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर ए है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। बोला गया है एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और वाई इक्वल टू हमारे पास है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। बोला गया है आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू वन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यह जाएगा एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एक्स इंटू एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, तो यह जाएगा टू इंटू एवरेज ऑफ टू, और एवरेज ऑफ टू की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो एवरेज ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन फोर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टू इंटू साइन फोर, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का जो आंसर हमारे पास आएगा टू इंटू साइन फोर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व हो जाएगा, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ में बोला गया है एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ मॉड के अंदर मॉड ऑफ कॉस एक्स और मॉड ख़त्म। तो बोला गया है एवरेज ऑफ सेवन पाई बाई सिक्स निकालो, तो अपन सेवन पाई बाई सिक्स के आसपास भाई सेवन पाई बाई सिक्स निकालना है तो सेवन पाई बाई सिक्स से प्लस और माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अपन सेवन पाई बाई सिक्स के आसपास जो है ये मॉड ओपन करते हैं। अब सेवन पाई बाई सिक्स जो होता है सेवन पाई बाई सिक्स बेसिकली ये है पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स मतलब यहाँ पर हम पाई बाई सिक्स का एक एंगल बना दें तो ये वाली लाइन जो है वो सेवन पाई बाई सिक्स है। अगर मैं सेवन पाई बाई सिक्स माइनस पे बात करूं या सेवन पाई बाई सिक्स प्लस पे बात करूं, सब कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस नेगेटिव है। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव तो दोनों का सम भी नेगेटिव, दोनों का सम नेगेटिव तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस माइनस कॉस एक्स आ गई तो एवरेज एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स आ जाएगी। तो अगर हम एवरेज ऑफ सेवन पाई बाई सिक्स पर बात करें तो सेवन पाई बाई सिक्स पर कॉस की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू होगी, तो ये प्लस रूट थ्री बाई टू हो जाएगा और साइन की वैल्यू हाफ होगी, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो रूट थ्री माइनस वन बाई टू होगी। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ का जो आंसर हमारे पास आएगा वो रूट थ्री माइनस वन बाई टू मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला गया है टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसकी वैल्यू है वन। तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पाई बाय फोर कॉमा पाई बाय फोर, मतलब एक्स की वैल्यू भी पाई बाय फोर है, वाई की वैल्यू भी पाई बाय फोर है। इसको अगर अपन क्या करें, इसको अगर अपन करना चाहें तो इसको अपन डिफरेंशिएट करें डायरेक्ट तो क्या होता है देखें ज़रा। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं
या फिर हम यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 और वाई का वाई डैश, और साइन एक्स माइनस वाई का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स का 1 और वाई का वाई डैश और 1 का 0। तो अगर अपन वाई डैश देखेंगे तो वाई डैश के साथ हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और यहाँ से माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ हमारे पास जो है 1 के साथ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो वाई डैश की जो वैल्यू हमारे पास आएगी हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास जो है वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अपन देखें यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये ऊपर तो हमारे पास 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी, और साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी होता है, यहाँ उल्टा है तो ये माइनस ऑफ 2 साइन एक्स इंटू साइन बाई होगा। माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू टेन एक्स इंटू कॉट वाई, ये वैल्यू हमारे पास वाई डैश की होगी। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, हमने देखा हमारे पास वाई डैश की वैल्यू आ गई, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डैश, तो टेन एक्स जो का तो कॉट वाई का क्या होगा माइनस ऑफ कॉस एक स्क्वायर वाई इंटू वाई का वाई डैश, और प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉट वाई और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब वाई डबल डैश हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू भी पाई बाय 4 पुट करनी है और वाई की वैल्यू भी पाई बाय 4 पुट करनी है। वाई डैश की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 10 पाई बाय 4 1 कॉट पाई बाय 4 1 मतलब 1 वैल्यू पुट की, 10 पाई बाय 4 1 कॉसेक बाय पाई बाय 4 इज रूट 2, इसका स्क्वायर हो गया 2, वाई डैश की वैल्यू भी 1 कॉट पाई बाय 4 1 सेक पाई बाय 4 इज रूट 2 उसका स्क्वायर हो गया 2, तो ये हो गया माइनस 2 और ये हो गया प्लस 2, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारे पास है ना ऐसे ही कुछ होगा भाई, ये हमारे पास था टेन एक्स इंटू कॉट वाई, तो ये ऊपर अच्छा टेन एक्स इंटू कॉट वाई नहीं कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, ऊपर दोनों कॉस के नीचे दोनों साइन के, तो कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस टू वैल्यू हमारे पास माइनस 4 आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आया इस क्वेश्चन का वो आ गया माइनस 4 नाइन्थ का, तो नाइन्थ का जो आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया ए। तो नोट कर लीजिए दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स की जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ टी स्क्वायर और वाई की जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ टी क्यूब, और बोला गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है टी इक्वल टू 1 पे। चलिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो यहाँ से अगर मैं डी एक्स वाई डी टी की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t, और अगर मैं डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालूँ तो ये जाएगा एफ डैश ऑफ टी क्यूब इंटू 3t स्क्वायर। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यूब और अपॉन में जाएगा 2t इंटू एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा हमारे पास 3t इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यूब और अपॉन में जाएगा 2 इंटू एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर, ये अपने पास डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए थे, अब हमें जो है इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 3/2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यूब अपॉन एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम डी टी अपॉन डी टी करेंगे और इन दोनों को कर देंगे इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ
टी ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्यू अपॉन एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 बड़े आंगे नीचे वाला मतलब एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी चौका तो ये जाएगा एफ डबल डैश ऑफ टी क्यू प्लस एफ डैश ऑफ टी क्यू टी का वन। तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब टी इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब एफ डबल डैश ऑफ टी स्क्वायर इंटू टू टी। अच्छा देखो ये अपन जब करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ टी क्यू और टी क्यू का क्या जाएगा 3t स्क्वायर तो ये 3t क्यू हो जाएगा सही है ना भाई। ये अपने पास टी जो करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश ऑफ टी क्यू और टी क्यू का 3t स्क्वायर तो 3t क्यू हो जाएगा। फिर एफ डैश ऑफ टी क्यू जो करता हूँ टी का वन। फिर अपन यहाँ पे आ गए ये ऊपर वाला जो करता हूँ टी इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यू इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश ऑफ टी स्क्वायर इंटू टू टी ये अपने पास आ जाएगा और अपॉन हमारे पास इस होल के अपॉन आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बाहर है डी टी बाई डी एक्स। तो हमने डी एक्स वाई डी टी निकाला था 2t एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर ये उसका रेसिप्रोकल है तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा 2t इंटू यहाँ लिख दे रहे अपन 1 अपॉन में आ जाएगा 2t इंटू एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर इतना हमारे पास आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें तो ये अपने पास 3/2 तो बाहर है अब यहाँ आ जाओ ये अंदर गया अंदर गया तो ये हो गया 3t क्यूब इंटू एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी क्यूब। फिर इसके साथ गया तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यूब। फिर यहाँ पर आ जाओ तो ये माइनस ऑफ 2t स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ टी क्यूब इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी स्क्वायर और इस पूरे के अपॉन में हमारे पास आएगा 2t इंटू एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर का पावर 3। ये अपने पास क्या आ गया ये अपने पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें निकालना है जब टी की वैल्यू होगी 1। तो जहाँ जहाँ टी है उसकी वैल्यू 1 रख दें तो ये 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 रखा तो ये हो गया 3 इंटू 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ डबल डैश ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ डबल डैश ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 1 ये 2 बनने बाहर ले गया अभी तो 3/4 हो गया तो 1 इंटू एफ डबल डैश ऑफ 1 का होल क्यूब। तो 3 इंटू एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 माइनस 2 इंटू एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 तो ये हो गया एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ डबल डैश ऑफ 1 और प्लस हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1 का होल स्क्वायर और अपॉन आ जाएगा एफ डैश ऑफ 1 का होल क्यूब और बाहर हो जाएगा 3/4 एफ डैश ऑफ 1 यहाँ भी है यहाँ भी है कॉमन लाएंगे नीचे वाले एफ डैश 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 एफ डबल डैश ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 का होल स्क्वायर अपॉन एफ डैश ऑफ 1 का होल स्क्वायर तो ये हमारे पास आएगा। अब देख लो भाई ये कौन सा है तो ये हमारे पास है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नोट कर लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1 3 व्हेन एक्स इक्वल टू 1 बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर अगर ये कंटिन्यूस है तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ 1 प्लस सॉरी एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। 1 माइनस मतलब लेस देन 1 लेस देन 1 पर वैल्यू ए प्लस 1 हो जाएगी 1 प्लस 1 पर वैल्यू बी प्लस 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे पास a प्लस 1 3 है तो a की वैल्यू 2 b प्लस 1 3 है तो b की वैल्यू भी 2 तो a और b दोनों की वैल्यू 2 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी तो 0 होगी ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। नोट कीजिए।
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये वाई की वैल्यू दी है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन एक्स इंटू अपॉन में 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस गामा। ये हमें दिया है, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर अपन यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ अल्फा एक्स, एक्स ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आए अपन, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू हो जाएगा 1 माइनस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बीटा एक्स बचेगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू हो जाएगा 1 माइनस बीटा एक्स इंटू हो जाएगा 1 माइनस गामा एक्स, एक्स क्यूब है ऊपर जाएगा तो गामा इंटू एक्स बचेगा। ये हमारे पास जो है ओवरऑल कहानी आएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने माइनस वन किया, एक मैंने प्लस वन किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो अल्फ़ा एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा एक्स, इसकी वैल्यू तो माइनस वन आ जाएगी, प्लस वन अपॉन बचेगा 1 माइनस अल्फा एक्स। और यहाँ भी अगर हम एक माइनस वन एक प्लस वन करेंगे तो बीटा एक्स माइनस वन अपॉन पूरा करेंगे तो 1 माइनस बीटा एक्स और बीटा एक्स माइनस वन कैंसिल होकर माइनस आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स प्लस वन अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स। और यहाँ भी हम जो है एक माइनस वन प्लस वन करेंगे तो गामा एक्स माइनस वन अपॉन तीनों करेंगे तो ये कैंसिल होकर माइनस वन बचेगा, तो माइनस वन अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स, और प्लस बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स इंटू 1 माइनस गामा एक्स, ये बचेगा। तो ये माइनस वन प्लस वन, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस बीटा एक्स इंटू 1 माइनस गामा एक्स। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई। इसको अगर अपन को डिफरेंशिएट करना है तो हमें दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग ले लें तो ये आ जाएगा ln y। अच्छा, ये 1 अपॉन में तो माइनस ऑफ दिस आएगा, तो माइनस मैंने यहाँ ले लिया, तो ln ऑफ 1 माइनस अल्फा एक्स, या फिर यहीं रहने दो, तो माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस बीटा एक्स माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस गामा एक्स ही आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 अपॉन y इंटू dy/dx हो जाएगा, ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, और अल्फ़ा 1 माइनस अल्फा एक्स का माइनस अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस अल्फ़ा। ln मसाला का 1 अपॉन मसाला और 1 माइनस बीटा एक्स, तो 1 का 0, बीटा एक्स का क्या जाएगा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बीटा। सिमिलरली आ जाएगा गामा अपॉन 1 माइनस गामा एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ चली जाएगी तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी वाई इंटू ये पूरा आइटम। अपन कंपेयर करें भाई किस में क्या होगा, ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो वाई तो आ गया। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ ऑप्शन में तो 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा, 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा, 1 अपॉन एक्स माइनस गामा है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लें तो अल्फ़ा अपॉन क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा, बीटा अपॉन क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा, गामा अपॉन क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस गामा। ये हमारे पास आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, अल्फ़ा अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा, बीटा अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस बीटा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास है अल्फ़ा अपॉन वाई अपॉन एक्स, ऑप्शन नंबर बी है, बी बॉम्बे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। नंबर 13 देखिए, एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin inverse x अपॉन अंडर रूट अपॉन 1 प्लस tan inverse x, और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f'0। तो अपन ऐसा करते हैं, वाई ले लेते हैं, है ना, और दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ln y अंडर रूट का 1/2 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस sin inverse x माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस tan inverse x। करते हैं वाई डिफरेंशिएशन, तो ये जाएगा 1 अपॉन y इंटू वाई डैश, ये 1 अपॉन 2, तो जो करता हूँ ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, तो 1 प्लस sin inverse x, 1 का 0 और sin inverse का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
एन एन मसाला का वन अपॉन मसाला, तो वन प्लस टेन इनवर्स एक्स वन का ज़ीरो और टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी वाई, वाई मतलब एफ एक्स अपॉन टू इंटू ये पूरा आइटम। हमें निकालना है वाई डैश एट ज़ीरो, तो एफ डैश एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ से, साइन इनवर्स ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया तो ये वन हो गया, टेन इनवर्स ज़ीरो भी ज़ीरो तो ये वन, तो एफ डैश ये आ गया वन बाई टू। यहाँ जाओ ये ज़ीरो तो ये हो जाएगा वन, ये ज़ीरो तो ये भी वन, माइनस ये ज़ीरो तो ये वन और ये ज़ीरो तो ये भी वन, तो ये वन। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर अपन ज़ीरो पुट करते हैं तो साइन वर्स ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो वन ये हमारे पास क्या जाएगा, साइन वर्स ज़ीरो ज़ीरो तो ये बचा वन, टेन वर्स ज़ीरो ज़ीरो तो ये भी वन, तो हमारे पास ये आ गया वन, तो ये वन बाई टू हो गया। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये वन इंटू वन हो गया वन, और माइनस ऑफ वन तो अंदर तो ज़ीरो आना चाहिए, वाई डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन ज़ीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपने थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ना वन माइनस टेन इनवर्स एक्स है, जब वन माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा तो ये माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर से ये प्लस आ जाएगा, और जब ये प्लस आएगा तो ये वन प्लस वन क्या जाएगा टू, और टू अपॉन टू हो जाएगा वन, और जब वन होगा तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा इसका वो क्या जाएगा डी, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास डी आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फंक्शन दिया है एफ एक्स और बोला गया है इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, कब, जब एक्स है रैशनल, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कब, जब एक्स है इरेशनल। तो बोला गया कंटिन्यूस कब होगा, तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में भी किए थे, कंटिन्यूस जब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, बेसिकली कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो एक पार्ट यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ आएगा, तो ये कंटिन्यूस जब होगा, केवल ये कंटिन्यूस जब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, मतलब साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, मतलब एक्स की वैल्यू एन पाई होगी, तो एन पाई पे बस ये कंटिन्यूस होगा, मतलब ये कंटिन्यूस कब होगा, पॉइंट सी पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स वाई टू और माइनस ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स वाई टू। बोला गया है कि अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेके, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेके टू पा है बोथ ओपन, तो आप ये बताओ कि ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंट कंटिन्यूस बट नॉन डेरिएबल होगा, ठीक है, तो अपन को बेसिकली ज़ीरो से टू पाई में ये जो है ये ओपन करना है। तो अपन देखें ज़रा, सबसे पहले ज़ीरो से टू पाई में टेन और कॉट दोनों का ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास ये पाई बाई टू, ये पाए, ये थ्री पाई बाई टू और ये टू पाए, ज़ीरो पाई बाई टू पाए थ्री पाई बाई टू और टू पाए, टेन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है तो ये टेन का ग्राफ बन गया, ये जो है ये टेन का ग्राफ बन गया। कॉट का ग्राफ बनाए तो कॉट का ग्राफ जो है वो ये कॉट का ग्राफ बन गया। अब हमें देखना है कि भाई टेन एक्स माइनस कॉट एक्स है ना, ज़ीरो से टू पाए में ये मॉड जो है उसका क्या खेल है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आएगा ये आएगा पाई बाय फोर, पाई बाय फोर बराबर होता है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा थ्री पाई बाय फोर, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा फाइव पाई बाय फोर, और पाई प्लस पाई बाय फोर ना, और टू पाई माइनस पाई बाय फोर ये जाएगा सेवन पाई बाय फोर। तो ज़ीरो से लेके पाई बाय फोर के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास जो बड़ा है वो बड़ा कॉट है
है ना भाई, ये अपने पास जो है ज़ीरो, ज़ीरो के बाद है पाई बाय फोर, पाई बाय फोर के बाद है पाई बाय टू, पाई बाय टू के बाद है थ्री पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर के बाद है पाई, पाई के बाद है फाइव पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर के बाद है थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू के बाद सेवन पाई बाय फोर, सेवन पाई बाय फोर के बाद टू पाई। ज़ीरो से पाई बाय फोर हम देख रहे हैं तो कॉर्ड बड़ा है और टेन छोटा है। अपन देखें भाई तो टेन छोटा है ना, तो टेन माइनस कॉट नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। पाई बाय फोर से पाई बाय टू में टेन बड़ा है कॉट छोटा है तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू में ये ऊपर कौन सा है कॉट, नीचे है टेन, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। थ्री पाई बाय फोर से पाई में ऊपर है ये क्या है ऊपर, ये हमारे पास ऊपर है टेन, नीचे है कॉट, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हमें दिख रहा है ये ऑल्टरनेट जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। अगर सेवन पाई बाय फोर से टू पाई में देखें अपन तो ऊपर क्या है ये मतलब क्या है टेन, तो पॉजिटिव साइन के साथ, तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ हो रहा है। तो ओवरऑल जो है ये अपन ने ओपन किया तो कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो पहले अपन इतना नोट कर लें, अब अपन ने मोड को ओपन करने की कंसेप्ट समझा। अब कहानी ये होगा कि जब हमारे पास ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो यहाँ तो हो जाएगा टेन प्लस कॉट वाई टू, और ये हो जाएगा टेन माइनस कॉट वाई टू, तो ये हो जाएगा टेन प्लस कॉट माइनस टेन प्लस कॉट बाई टू, टेन से टेन कैंसिल, टू कॉट वाई टू मतलब कॉट एक्स। तो जब ये हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कॉट एक्स आएगी। कब, जब एक्स ये जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और जब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो टेन प्लस कॉट वाई टू प्लस टेन माइनस कॉट वाई टू, तो इसकी वैल्यू टेन एक्स आएगी जब ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कहानी होगी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऐसी कहानी है जो अपन ने बनाया था कि टेन एक्स और कॉट एक्स का ग्राफ है ना, ये आ गया ज़ीरो, ये पाई बाय टू पाए, थ्री पाई बाय टू टू पाए, ये आ गया पाई बाय टू पाए, थ्री पाई बाय टू टू पाए। टेन एक्स का ग्राफ अगर देखें तो ज़ीरो पे ज़ीरो, फिर उसके बाद पाई पे फिर से ज़ीरो, उसके बाद टू पाई पे फिर से ज़ीरो। और कॉट एक्स अगर आप देखेंगे तो पाई बाय टू पे ज़ीरो होता है, तो ये कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये पाई बाय फोर था, ये वाला पॉइंट थ्री पाई बाय फोर है, ये वाला पॉइंट जो है वो फाइव पाई बाय फोर है, और ये सेवन पाई बाय फोर है। अब देखो भाई, जहाँ जहाँ पहले वाले में क्या था, नेगेटिव, जब नेगेटिव होगा तो टेन एक्स वाला ग्राफ होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है मतलब टेन एक्स वाला ग्राफ, टेन एक्स वाला ग्राफ कौन सा ही, नीचे वाला, तो अपन ने ऊपर वाला ग्राफ अलग कर दिया। फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाला है ना, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले में कॉट एक्स वाला ग्राफ होगा, कॉट एक्स वाला ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला, तो ये वाला ग्राफ होगा, तो ये हमने अलग कर दिया। तो हमें भावना है, अगर हम समझें तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ये वाला ग्राफ आएंगे, कुछ इस तरीके से ये वाले ग्राफ आएंगे, ये वाले ग्राफ जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो एक तो इस वाले पॉइंट पे, एक इस पे, एक इस पे, और एक इस पे, वन टू थ्री फोर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस तो होंगे बट नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि वहाँ पे शार्प कॉर्नर होगा। तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखें तो आंसर उसका आएगा बी, बी मतलब फोर पॉइंट, नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है एक्स माइनस वन का मॉड, मतलब अगर हम एफ एक्स के बारे में बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस वन जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा, और वन माइनस एक्स या माइनस ऑफ एक्स माइनस वन जब एक्स लेस देन वन होगा, इक्वालिटी हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये इसका ग्राफ होगा। तो बोला गया है कि अगर हमारे पास जी एक्स है और जी एक्स की वैल्यू है f(x), तो जी डैश एक्स क्या होगा, वन वेन एक्स ग्रेटर देन टू, वन वेन एक्स की वैल्यू टू से लेके थ्री, इस तरीके की बातें हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा ये फंक्शन। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेसिकली, तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा कि वन पे तो वैल्यू ज़ीरो होगी
और कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ग्रेटर देन वन पे वाई की वैल्यू एक्स माइनस वन होगी, ये वन होगा, और लेस देन वन पे वाई की वैल्यू जो है वो वन माइनस एक्स होगी। अब अगर हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, अपन ऐसा करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स को अपन एच एक्स ले लेते हैं। तो एच एक्स अगर अपन निकालते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ एफ एक्स, तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ एक्स पुट करना है। तो ये जाएगा वन माइनस एफ एक्स जब एफ एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी, और एफ एक्स माइनस वन जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी। अब देखो भैया, ज़ीरो से वन के बीच में तो ये है, लेस देन वन पे फंक्शन की वैल्यू दो बार हो रही है, लेस देन वन, एक बार जब ज़ीरो से वन के बीच में एक्स की वैल्यू होगी, और एक बार जब वन से टू के बीच में एक्स की वैल्यू होगी। और सिमिलरली वन से ग्रेटर देन भी दो बार हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक जब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो होगी और एक जब टू से इन्फिनिटी होगी। तो अपन देखें सबसे पहले एफ एक्स लेस देन वन, तो एफ एक्स लेस देन वन जो है वो दो केस में हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से लेके वन होगी, और जब एक्स की वैल्यू जो है वो वन से लेकर टू होगी। जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से वन होगी तो एफ एक्स आ जाएगा वन माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस एक्स, और यहाँ पर वाई की वैल्यू एक्स माइनस वन। जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा तो दो केस होंगे, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, और जब एक्स की वैल्यू टू से इन्फिनिटी। जब एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो होगी, और जब एक्स की वैल्यू जो है वो टू से इन्फिनिटी होगी। माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो वाले केस में वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स, टू से इन्फिनिटी वाले में एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स, और यहाँ पर वाई की वैल्यू एक्स माइनस वन होगी। इस तरीके से अपन ने निकाला। अब अपन एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एच एक्स निकालते हैं। तो अगर मैं कहूँ एच एक्स, एच एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एफ एक्स, तो वही मैं इंटरवल बना लेता हूँ। सबसे पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो, फिर दूसरा इंटरवल हमारे पास है ज़ीरो से लेके वन, फिर तीसरा इंटरवल हमारे पास है वन से लेके टू, और चौथा इंटरवल हमारे पास है टू से इन्फिनिटी। अब जब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स यहाँ पुट करनी है एफ एक्स माइनस वन में, तो वन माइनस एक्स माइनस वन करेंगे तो क्या जाएगा माइनस एक्स। जब ज़ीरो से लेके वन है तो वन माइनस एफ एक्स में एक्स की जगह वन माइनस एक्स पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स। जब वन से लेके टू है तो वन से लेके टू में एक्स माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो वन माइनस एक्स प्लस वन, तो वैल्यू आ जाएगी टू माइनस एक्स। जब टू से लेके इन्फिनिटी है तो एक्स माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। तो ये जो हमारे पास है ये अपन ने क्या निकाल लिया, एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लिया। अब अपन एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब बेसिकली एच में जहाँ एक्स है वहाँ हम एफ एक्स पुट करना है। अगर हम ऐसा पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ एक्स, कब, जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एफ एक्स, कब, जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से लेके वन है। ये हो जाएगी टू माइनस एफ एक्स, कब, जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो वन से लेके टू है। और ये आ जाएगी एफ एक्स माइनस टू, जब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो टू से लेके इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे जो है अपन देखते हैं कहानी किसकी, एफ एक्स की। तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो मतलब नेगेटिव कब है, कभी नहीं है, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। ज़ीरो से वन के बीच में एफ एक्स कब है, दो बार है, एक बार जब एक्स ज़ीरो से वन है, एक बार जब एक्स वन से टू है। तो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से लेके वन है, और यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू वन से टू है। ज़ीरो से लेके वन में वाई वन माइनस एक्स है, और यहाँ एक्स माइनस वन है। तो यहाँ वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स है, और यहाँ वाई की वैल्यू एक्स माइनस वन है। वन से लेकर टू के बारे में देखें भाई, टू कब हो रहा है ज़रा देखें, टू जो है वो यहाँ होगा। तो टू इसकी वैल्यू कब होगी, जब यहाँ होगा माइनस वन, और टू इसकी वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास जो है यहाँ पे टू कब होगा, जब एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री। तो अगर हम अब वन से लेके टू के बारे में बात करें तो दो बार हो रहा है, एक बार इस बार माइनस वन से ज़ीरो में, और एक बार टू से लेके थ्री में। तो एक बार केस हो रहा है माइनस वन से लेके ज़ीरो में, और एक बार एक्स की वैल्यू हो रही है टू से लेके थ्री में। यहाँ वाई वन माइनस एक्स, और यहाँ वाई एक्स माइनस वन है। फिर अपन आगे बढ़े, हमने कहा अब टू से इन्फिनिटी वाले में बात करो। तो अगर टू से इन्फिनिटी में देखें तो टू से इन्फिनिटी में भी जो है दो केस हैं, एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और एक थ्री से इन्फिनिटी। तो यहाँ भी दो केस हैं,
एक है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और एक है थ्री से इन्फिनिटी। इस वाले केस में वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स है, इस वाले केस में वाई की वैल्यू एक्स माइनस वन है। अपन ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो अपन इसे एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ही, एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल वाइज अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा इंटरवल है, सबसे पहला इंटरवल आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, फिर आ जाएगा माइनस वन से लेके ज़ीरो, फिर आ जाएगा ज़ीरो से लेके वन, फिर आ जाएगा वन से लेके टू, फिर आ जाएगा टू से लेके थ्री और फिर आ जाएगा थ्री से लेके इन्फिनिटी। अब माइनस वन से ज़ीरो यहाँ है तो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे तो 2 माइनस वन हो जाएगा 1 प्लस एक्स, सही है। और यहाँ 1 माइनस एक्स पुट करो तो 2 माइनस वन प्लस एक्स। फिर जब माइनस वन से ज़ीरो है तो माइनस वन से ज़ीरो कहाँ है भैया, माइनस वन से ज़ीरो यहाँ है, यहाँ 1 माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस वन से, एक मिनट फिर से देखें ज़रा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये 1 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स। फिर माइनस वन से लेके ज़ीरो में वन माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे तो टू माइनस वन प्लस एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस एक्स। फिर ज़ीरो से लेके वन में देखेंगे तो ये हमारे पास वन माइनस एक्स है और यहाँ एफ एक्स है, तो ये वन माइनस एक्स आएगा। वन से लेके टू में देखेंगे तो वही एक्स माइनस वन आ जाएगा। फिर अपन 2 से लेके 3 में देखेंगे तो 2 से लेके 3 में ये 2 माइनस एफ एक्स है, तो 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स। और 3 से लेके इन्फिनिटी में एक्स माइनस वन माइनस टू, तो ये जाएगा एक्स माइनस थ्री। तो ये अपन ने जो है एफ ऑफ एक्स निकाल लिया और इसकी वैल्यू हमारे पास जी एक्स है, तो हमने ये जी एक्स निकाल लिया। अब हमें जी डैश एक्स के बारे में बात करी गई है तो हम इसको अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जी डैश एक्स की वैल्यू पहले वाले केस में आएगी माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन। ये कब आएगा जब एक्स की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये कब आएगा जब एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन से ज़ीरो, ये कब आएगा जब एक्स की वैल्यू होगी ज़ीरो से वन, ये कब आएगा जब एक्स की वैल्यू होगी वन से लेकर टू, ये कब आएगा जब एक्स की वैल्यू होगी टू से लेकर थ्री, और ये कब आएगा जब एक्स की वैल्यू होगी थ्री से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर वैल्यू चेक करें, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या क्या है। तो वही वन जब x ग्रेटर देन टू, तो ग्रेटर देन टू पे तो वन ऑलवेज नहीं है तो गलत हो गया। टू से थ्री में वन, टू से थ्री में माइनस वन, ये भी गलत हो गया। टू से थ्री में माइनस वन बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही हो गया। और ग्रेटर देन थ्री पे माइनस वन वही गलत है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया भाई साहब, नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? आज अपन ब्लैक बुक में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 1। इसमें अपन ने अप टू क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिए हैं। अपन अगली क्लास में मिलेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।